नमस्कार साथियों साथियों आज बात करूंगा मैं ये हिस्टोग्राम एक्सेल में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं आपको मैं ये डाटा कैसे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये डाटा मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। सबसे देखिए पहले देखते हैं हम मीन या इसको एक्स डबल बार भी बोलते हैं। इसे हम एक्स डबल बार कैलकुलेट करते हैं इक्वल टू यानी इस डाटा का एवरेज। तो जब एवरेज सेलेक्ट करेंगे आप ये वाला एवरेज तो ये डाटा आपको सेलेक्ट करेंगे एवरेज एवरेज आ जाएगा। दूसरा मीडियन, जैसे मीडियन लिखा हुआ ना मीडियन, यहाँ पे मीडियन लिख देंगे इक्वल टू करके आप लिखेंगे मीडियन मीडियन डाटा सेलेक्ट तो मीडियन आ जाएगा आपका। ठीक है ऐसे लिखा देंगे मोड इक्वल टू MOD मोड है ना मोड तो ये मोड आ जाएगा आपका। ऐसे सेलेक्ट करेंगे आपकी ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन सेलेक्ट करने के लिए करेंगे इक्वल टू STD स्टैंडर्ड डेविएशन और डाटा सेलेक्ट करेंगे ये और ये इसको इंटर कर देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपका। ठीक है इसी प्रकार से अगर आप सोचेंगे मैक्सिमम डाटा सेलेक्ट करना है तो इक्वल टू MAX मैक्स ये डाटा सेलेक्ट हो जाएगा या मिनिमम लेना पहले मिनिमम ले लो MIN मिनिमम तो मिनिमम डाटा सेलेक्ट ऐसे पोस्ट क्लोज इंटर मिनिमम आ गया। मैक्स इक्वल टू MAX मैक्स तो ये मैक्स सेलेक्ट हो जाएगा ऐसे करके ये पोस्ट क्लोज इंटर मैक्स हो जाएगा। काउंट तो काउंट करना है तो काउंटा काउंट इक्वल टू कोस्ट क्लोज इंटर। ठीक है अब निकालना है मेरे को क्लास इंटरवल, इसका स्क्वायर रूट निकाल देते तब भी क्लास इंटरवल निकल के आ जाता है हमारा SQ स्क्वायर रूट इसका तो ये हमारा क्लास इंटरवल निकल के आ जाता है। उसके बाद निकालते हैं रेंज, रेंज किसके निकल के आती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम रेंज निकल के आ गई। क्लास इंटरवल, अब क्लास इंटरवल किस निकालते हैं तो इसका डिवाइड करेंगे इसमें से ये फॉर्मूला होता है दिस डिवाइडेड दिस। उसके बाद मिनिमम बाउंड्री लेवल, मिनिमम बाउंड्री लेवल वो लेवल होती है जो मिनिमम वैल्यू होती है माइनस जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट होगी, जो इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट होगी उसको डिवाइड टू, ये हमारी मिनिमम बाउंड्री लेवल आ गई आपकी। और मैक्सिमम बाउंड्री लेवल क्या रहेगी हमारी तो इक्वल टू मैक्सिमम प्लस जितनी आपकी लिस्ट काउंट है डिवाइडेड टू प्लस कर देंगे ये। तो ये यहाँ तक हमारी बाउंड्री लेवल चलेगी मिनिमम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब आप ऑटोमेटिक ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं या टाइप करके ऐसे करके ग्राफ ले सकते हैं ये इस रेंज का। ठीक है 0.01 की रेंज में हम ये ले सकते हैं राउंड ऑफ फिगर में। अब मेरे को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ फ्रीक्वेंसी ये आपको एकदम समझ में आ जाएगी ये। तो ये फ्रीक्वेंसी में डिलीट कर दी, यहाँ डाटा सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू दबाएंगे और लिखेंगे फ्रीक्वेंसी FR तो फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी के बाद हम करेंगे डाटा सेलेक्ट तो ये डाटा सेलेक्ट कर लिया मैंने। डाटा सेलेक्ट करने के बाद कह रहा है कॉमा, अब कह रहा है बिन्स तो हमने ये बिन बनाई, ये बिन सेलेक्ट कर ली हमने। कोष्टक को क्लोज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे इंटर कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे इंटर कर देंगे ये बन के आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ सेलेक्ट करने के लिए सेट में जाएंगे इंसर्ट का कॉलम में जाएंगे कॉलम का ये ग्राफ ले लेते हैं तो ये ग्राफ बन गया आपका। इस प्रकार से ग्राफ बना देते हैं आप। अब इस ग्राफ को आपको ऐसे सजा देना है यहाँ पर ये इसी बीच में रखना है यहाँ भी रखना है आपको ऐसे इसी बीच में रखना है मेरे को तो ये मैंने सजा दिया इसको ऐसे करके। ठीक है ये ग्राफ बना दिया मैंने, ये ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ के ये लाइन हटानी तो इसको डिलीट कर सकता हूँ। नीचे मेरे को जहाँ पे बिन्स दिखानी है तो बिन दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद नीचे इसमें और इसके अंदर जहाँ जाके लिख देंगे जहाँ लिख देंगे बिन्स है ना, लिखेंगे क्या VIN S बिन्स है ना। ये आपका फ्रिक्वेंसी डाटा हो गया। डाटा ऐड करना है तो डाटा ऐड, ठीक है इतनी फ्रिक्वेंसी आ रही है आपकी। ऊपर हिस्टोग्राम लिखना है इसमें तो यहाँ पर जाएंगे लेआउट में, लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाएंगे और ये यहाँ पर यहाँ लिख देंगे हिस्टोग्राम। ठीक है तो हिस्टोग्राम ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर ये, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हो टाइप भी कर सकते हो हिस्टोग्राम। ठीक है इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर सकते हो, इसको छोटा बड़ा करके ऐसे एडजस्ट कर सकते हो लिख सकते हो। तो ये आपने बना लिया ऐसे, अब आप देख पा रहे हैं हमने ये बनाया है ये चीज़ हमें दिखाया है आपको तो सेम आप इस प्रकार से भी ये बना सकते हैं ये। ठीक है जैसे आपने यहाँ पर डाटा लिया और ये डाटा लेके आप इसको बना सकते हैं ये,
ये बनाया आपने, ये हिस्टोग्राम बना सकते हैं, ये मीन मीन वेक्स लगा सकते हैं ये, और इसमें कुछ एक्शन प्लान लेना है आपको तो एक्शन प्लान भी ले सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ये सारी एक्टिविटियाँ बना सकते हैं ये। और मैं आपको एक टिप्स दूँ इसमें, आपको ये देख सकते हैं इसमें ये, जैसे मैं बात करूँ उसका मीन मीनियम एक्सन बता दिया, एवरेज मीन मीडियम बता दिया, रेंज बता दिया आपको, रेंज निकाल के स्पेल होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखना है तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, वेरिएंस निकालना तो ये निकाल सकते हैं आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।